राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर डेहरा की एनएसएस इकाई के स्वयंसेवक ईशांत ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए प्री आरडी कैंप में हिस्सा लेकर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। जिला व राज्य स्तर से चयनित होने के पश्चात ईशांत ने उत्तर क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले चयन शिविर में 14 दिसंबर 2020 को भाग लिया, जिसमें हिमाचल की लोक संस्कृति के साथ समाज सेवा की भावना व परेड के नमूने प्रस्तुत किए। इस शिविर का आयोजन क्षेत्रीय निदेशालय चंडीगढ़ द्वारा चितकारा विश्वविद्यालय राजपुरा पंजाब में किया गया था। इस शिविर के पश्चात क्षेत्रीय निदेशक एनएसएस हरिंद्र कौर द्वारा इन्हें एक प्रमाण पत्र भी दिया गया। सुजानपुर महाविद्यालय पहुंचने पर प्राचार्य डॉक्टर अनिल गौतम और कार्यक्रम अधिकारी मनोहर लाल शर्मा और डॉक्टर एनडी खन्ना ने उन्हें बधाई दी। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे एक विद्यार्थी ईशांत, जो कि बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, इनकी पिछले दिनों एनएसएस के लिए जो प्री रिपब्लिक परेड होती है हमारी 26 जनवरी को, उसके लिए हमारे हिमाचल से जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें हमारे महाविद्यालय का विद्यार्थी ईशान, इसकी भी सिलेक्शन हुई थी। और इसका एक दिवसीय जो प्री रिपब्लिक परेड होती है उसके लिए सिलेक्शन हुई थी। वहाँ पे राजपुरा में पंजाब में ये कैंप लगा एक दिन का, तो वहाँ पे इस विद्यार्थी ने हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से रिप्रेजेंट किया। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। वहाँ पर वन डे रिपब्लिक डे जो परेड का कैंप हुआ, उसके बाद इसकी सिलेक्शन जो है हमारे हिमाचल से 4 बच्चे जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस 4 बच्चों में इस विद्यार्थी का भी नाम होगा और हमारे महाविद्यालय का नाम, सुजानपुर का नाम और पूरे HP यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो हमारा दिल्ली तक जाएगा, ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। मैं इसके लिए हमारे जो NSS के इंचार्ज हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, डॉक्टर एनडी खन्ना जी, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इनके अथक प्रयासों से हमारा ये विद्यार्थी इस लेवल तक पहुँच पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।